कीजिए यहाँ पर 100%। मतलब सभी लोग पहली बार आए हैं और मुझे खुशी की इस बात की है कि एक ऐसी फिल्म लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं जिसे आप निहारेंगे और वाकई कहेंगे कि यार एक बार फिर से इस ओपेरा हाउस को नया चार चांद लगा है, क्योंकि यहाँ का बहुत बड़ा इतिहास और इतिहास में आप लोग शामिल हो चुके हैं। मुझे बहुत गर्व और खुशी की बात है। तो चलिए सब लोग तैयार हैं? ओहो क्या बात है। ओके तो चलिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने टीजर देखा बहुत प्यार किया, एंड मैं जब टीजर देख रहा था तो मुझे बहुत कमाल लगा यार कि एक बार फिर से 1975 को अपने आप में रीइन्वेंट करना एक बहुत बड़ी बात है, और सिर्फ एक ऐसा एकमात्र डायरेक्टर है ने देखा, उसमें एक्शन है, ड्रामा है और कमाल के डायलॉग हैं। आपको मालूम ही है हमेशा एक परंपरा रही है, चाहे वंस अपॉन ए टाइम रही हो या यहां पर रहे हो, इस फिल्म के दौरान आप लोग देखेंगे वो डायलॉग, वो एक्शन, वो तहलका। और गानों ने जो टी सीरीज ने बहुत ही कमाल के तरीके से मुझे बता रहे थे पूरी टीम की, यार तकरीबन दोनों गाने जो आए 80 मिलियन हिट्स हो चुके हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए पूरी टी सीरीज की टीम को इस फिल्म के लिए। अच्छा, अधिकतर ऐसा होता है कि जब फिल्मों का ट्रेलर आता है तो लोगों की अपेक्षाएं रहती है कि हाँ अच्छा होगा, टीजर अच्छा है, ट्रेलर कुछ और अच्छा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ट्रेलर अच्छा नहीं, बहुत जबरदस्त है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अब आप बोलने वाले हैं। आर यू रेडी? तैयार हैं आप लोग? जोर से, हियर वी गो। मुझे याद आ गया कि मैंने जब अभी कुछ दिन पहले बता रहा था कि 50s के जमाने में, 60s के जमाने में इसमें गाने होते थे, एक्टर के होते हैं, डायलॉग होते थे, और वाकई इस फिल्म में है, वाकई काबिले तारीफ, और जिसने भी सोचा है बहुत ही कमाल है। मैं पिछले 10-12 सालों में देख रहा हूँ, पहली बार ऐसी कोई चीज़ आई है हाथ में, वाकई कलेक्शन की चीज़ है ये। तो चलिए जी, बादशाहों की टीम इस समय हमारे साथ में मौजूद है, अगर आप लोग अपने क्वेश्चन तैयार रखिएगा। लेकिन उसके पहले मैं कुछ पूछना चाहूँगा आप लोगों से। सबसे पहले डायरेक्टर से शुरुआत करता हूँ। सर जी, मतलब कमाल है, इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठे करना, मतलब कैसे कर लेते हैं आप? देखिए, इनको ओपेरा हाउस तक लाने में जो मेरी जान निकली है
आप पहले उसकी बात कीजिए। इनको राजस्थान में हमने करीब करीब 5000 किलोमीटर सैर कराई है और आप लोगों को लगता है कि ये 6 हैं, ये 6 नहीं है, ये 36 हैं, क्योंकि हर एक के साथ 4-5 आ जाते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत मुश्किल भी रहा, लेकिन वी वर देयर फॉर 2 मंथ्स एंड बहुत ही मिलजुल के काम किया, अच्छे मौसम में काम किया। इट्स डेफिनेटली अ चैलेंज टू ब्रिंग टुगेदर अ स्टार कास्ट ऑफ सो मेनी एक्टर्स एंड गेट देयर टाइम, गेट देयर कंसेंट ऑन अ स्क्रिप्ट, बट वी ऑल वर्कड ऑन इट एज फ्रेंड्स एंड वेरी हैप्पी। जैसे कि बताया इन्होंने कि इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसमें फीवर 104 FM रेडियो के और अजय जी के बहुत सारे फैन यहाँ मौजूद हैं। कौन कौन है जरा? तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। उन्होंने कहा था कि ये आपकी ऐसी फिल्म होने वाली, लोगों ने टीजर देखा, प्रोमो देखा और लेटर लिखे, बहुत बड़े बड़े लेटर्स हैं मेरे पास में, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं अजय भाई, मैं चाहूंगा कि उनके बारे में थोड़ा सा बात करें। इसका जो लुक दिया गया है ये वाकई बड़ा यूनिक लुक है, 1975 इमरजेंसी का वक्त, वो जमाना जहां पर सब कुछ बैन हो रहा था, तो इसके बारे में बताइए, कहां से कैसे सोचा गया इस फिल्म के बारे में और क्या बताया गया वन लाइनर आपको? आई थिंक ये सवाल, हेलो हेलो एवरीबॉडी, ये सवाल तो डायरेक्टर के लिए होना चाहिए। नहीं, पर देखिए, कंसीव तो आपने किया, आपने सोचा कि ये फिल्म करनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या कि कहानियां तो बहुत एक्चुअली आपने ही क्यों चुना इसे? एक्चुअली ये कहानी मिलन ने मुझे, कितने साल हो गए, कच्चे धागे के टाइम पे उस वक्त एक थॉट था जो कि सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट एक किस्सा राजस्थान में लोग बात किया करते थे उसके बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो ये फिल्म उस किस्से के बारे में नहीं है, लेकिन उसके इर्द गिर्द आई थिंक एक कहानी बनाई गई है, बट ये दिमाग में मुझे लगता है तब से ही था, तो 90s में था ये दिमाग में, इसलिए 70s के नज़दीक है। अच्छा इमरान, इनकी पहली फिल्म जब वंस अपॉन अ टाइम में भी देखा, आपने बहुत ही ग्रे कैरेक्टर किया था, और वो कैरेक्टर इसमें कितना डिफरेंस है? आई थिंक जो पहला डिस्कशन मिलन और मेरा हुआ था स्क्रिप्ट पे, आई थिंक मिलन बहुत क्लियर था कि जो फिल्म हम बना रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि हम तीनों साथ में फिर से आ रहे हैं 7 साल के बाद, तो एक एक्सपेक्टेशन होगा, एंड आई नो एक कंजेक्चर भी था कि यार फिल्म शायद एक वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई तरह की एक फिल्म होगी और इसमें अजय और मेरी टक्कर होगी और एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। बट जब मिलन ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई था, आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि उन्होंने एक तरह से मोल्ड को तोड़ा है इस फिल्म में। जिस तरह की कहानी है, एक तो एक हाइस्ट फिल्म है, ड्रामेटिक है, एक्शन है, लेकिन इन्होंने एक हाइस्ट फिल्म को एक बहुत ही अनयूजुअल स्पिन दिया है, एंड आई'ड लाइक टू गेट रजत आल्सो, गिव हिम क्रेडिट फॉर दिस। जिस तरह उन्होंने कंसेप्शन, आई थिंक वी शुड कॉल हिम ऑन स्टेज। या यू शुड कॉल हिम ऑन स्टेज। रजत, इज रजत अराउंड? लॉट ऑफ स्टोरी रिलेटेड क्वेश्चंस, वेयर इज ही? आई थिंक वाज इन द ऑडियंस समवेयर। नो, ही इज हियर। सो टू से इन वन लाइन, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल हैव सीन इन वंस अपॉन अ टाइम। इट्स वेरी डिफरेंट इक्वेशन, इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म। बिल्कुल रजत भाई, देखिए बहुत डिमांड है भाई आपकी यार, चारों तरफ इंडस्ट्री के अंदर भी और स्टेज में भी। ये वन लाइनर कब सोचते हो आप, मतलब रात को कब सोचते हो आप? इडली रम और रसम के बाद। भाई मॉनिटर दीजिए प्लीज। नहीं, पर ये वन लाइनर का सिलसिला जब से शुरू हुआ हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो सिर्फ एक ही नाम आता है आपका, तो आपका फेवरेट वन लाइनर कौन सा है? आपका फेवरेट कि यार आपकी फिल्म का कोई मतलब आप तो जहां टच करती हैं वो फिल्म हिट हो जाती है, क्या बात, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, इतनी खूबसूरत दिख रही हैं आज यार, कैसे करती हैं आप? मतलब मैं अभी, हम और डायरेक्टर साहब आपके बात कर रहे थे, फिल्मों का सिलसिला देख रहे थे, सभी फिल्में चाहे यहाँ की हो साउथ की हो फिल्में, तो इस फिल्म में क्या लग रहा है आपको? ट्रेलर देखा आपने, प्रोमो देख लिया, फिल्म शूट किया जी, तो क्या बोलना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? यही कि ये
मेरा सबसे स्पेशल फिल्म है आई थिंक मेरे करियर में सबसे होपफुली वन ऑफ माय बेस्ट परफॉर्मेंसेस एंड विदाउट अ डाउट सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म के शूटिंग के दौरान सो इट्स बिन एब्सोल्युटली मेमोरेबल एंड वेरी वेरी स्पेशल ये लास्ट फिल्म के प्रमोशन देखे नहीं थे मैंने माँ भी तो ये नहीं बोला था इन्होंने है ना भाई नहीं बोला था हाँ 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 मेरे पास ऑडियो भी है मेरे पास ऑडियो है नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बोला था आई जेन्युइनली मीन इट आई मीन मिलन से पूछ लो लास्ट डे पे व्हाट वाज माय स्टेट या इट वाज क्वाइट एन इमोशनल फेयरवेल ऑन द लास्ट डे ऑफ शूटिंग एंड तब हमको एहसास हुआ कि इलियाना ने कितनी मेहनत की है अपने कैरेक्टर के लिए और कितना सोचा है कितना वो इमोशनली इन्वॉल्व हुई है हमारे यूनिट के साथ और जैसे कि अजय सर ने कहा कि हो सकता है कि वो हर फिल्म के प्रमोशन पे यही बोलती हो बट आई एम श्योर दिस इज नॉट ट्रू ईशा भी मैं पर्सनल इंटरव्यू कर रहा था तो आपने बहुत दो तीन चीजें ऐसी बड़ी कमाल की बोली इस फिल्म के बारे में तो प्लीज जरा लोगों तक पहुंचाइए वो बात बादशाहों को लेकर फिल्म के बारे में बताइए उसके बाद हम पर्सनल आपसे पूछेंगे बाद में I mean, honestly, मेरे लिए the moment I got a call कि मिलन लोथरिया की फिल्म है तभी मैंने आधा अपना दिमाग बना लिया था कि मुझे फिल्म करनी है एंड मिलन सर ने जैसे हर एक को एक दो लाइने का नरेशन दिया मुझे आई थिंक एक दो सेकेंड का नरेशन दिया एंड आई वॉज सोल्ड ऑन इट प्लस फिल्म इतनी बड़ी है फॉर समवन लाइक मी आई जस्ट थॉट कि एक तो अगर आपने वंस अपॉन अ टाइम देखी है एंड आप इन दोनों कैरेक्टर्स के एंड एक्टर्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं देन ऑन द मोर आप चाहेंगे कि एक ऐसी फिल्म का पार्ट रहे कि वो हिस्ट्री में याद रहे एंड जैसे उन्होंने रजत ने एक डायलॉग बोला दुआ में याद रखना इस फिल्म के ऐसे डायलॉग्स हैं जो लोग याद रखेंगे सो होपफुली जब फिल्म 10 साल बाद भी बात होगी तो लोग बोलेंगे अरे वो उस मूवी का एंड आई बी लाइक हाँ वो मेरी फिल्म का था तो इसीलिए मैंने फिल्म की क्या बात है बहुत बड़ी बात है क्राउड के साथ बोल सके एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए एंड अब मैं जिस कलाकार से मुलाकात कराने वाला हूँ आई थिंक मेरी जिंदगी में फिट रहने का मकसद आई थिंक इस इंसान से सीखा जा सकता है मेरा बहुत पुराना दोस्त एंड एक फिल्म के दौरान मुलाकात हुई थी वाकई जितना नॉलेज रखता है ये आदमी शायद ही बहुत कम लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इतना नॉलेज रखते हैं हर फील्ड के बारे में तो विद्युत जामवाल के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कम ऑन विद्युत भाई ये लुक के बारे में बताओ ना यार ऐसा लुक आज की तारीख में मर्दों में बहुत कम नजर आता है यार नहीं जो सही कह रहा हूँ मैंने हीरो लोग कहाँ आजकल यार सो कमांडो के बाद मैं जब मिलन सर से मिलने गया सो सबसे पहले इन्होंने मुझे जो बात बोली थी विद्युत बाल काटने पड़ेंगे अब तुम्हें एक असल का आर्मी ऑफिसर लगना है सो मैंने सुन लिया और बाल कटवा लिए मूछें भी लगा ली फिर मूछें भी लानी पड़ेगी क्लीन शेप भी कर ली फिर ओ कपड़े भी अलग कर दिए फिर सब कुछ कर दिया डायरेक्टर के लिए मतलब कुछ भी तो इस फिल्म में क्या कैरेक्टर है आपका चरित्र क्या है इस फिल्म में यार मैनेसिंग हूँ इंडियरिंग हूँ दोस्त हूँ वफादार हूँ दुश्मन भी हूँ सब कुछ हूँ ओह क्या बात सर ये तीसरे का जो मामला है मैं भी पीछे से बोल रहा था कि भाई इनके कमचे धागे से लेकर आई थिंक उस दिन मिलन ने भी एक बहुत अच्छी बात की थी जब ये गाना लॉक हुआ तो नुसर साहब की जो लास्ट एल्बम थी आई थिंक वो कच्चे धागे थी हम दोनों की एल्बम थी और जब ये गाना लॉक हुआ तो मिलन ने बहुत एक अच्छी बात बोली कहा कि नुसर साहब रहे नहीं लेकिन उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया हम तक पहुंचने का हमें ब्लेस करने का और ये गाना आई थिंक वही है अच्छा आपके यूनिट से एक आदमी ने फोन किया था मुझे जब शूट चल रहा था आप यूनिट से हाँ यूनिट से तो बेचारा परेशान था वो कि आप लोगों ने कुछ खिला पिला दिया था वो बोले कि 100% अजय सर ने ही पिलाया होगा पिलाया था हाँ गांजा कुछ भांग वांग थे क्या यार हम लोग तो रोज सबको कुछ ना कुछ पिलाते हैं अच्छे लोग हैं वी आर गुड होस्ट्स अच्छा तो क्या हुआ क्या तो बता दीजिए जरा सब लोगों को क्या तो बेचारा यूनिट वाला मेरे फोन कर रहा पूरी रात भर मुझसे बात किया उसने अब क्या बात कर रहा था वो खुद को नहीं मालूम था तो क्या भांग पिला दी थी क्या हुआ क्या था मिलन सर मिलन बताओ शिवरात्रि का दिन था और बहुत खतरे वाला दिन होता है जब अजय देवगन आपके आसपास होते हैं मैंने दो चार शिवरात्रियां इनके साथ गुजारी हैं तो मैं सीख गया हूँ कि उस दिन ये जो भी सामने लाए वो आप चख नहीं सकते ओके लेकिन कुछ हमारे यूनिट के ऐसे लोग थे जिनको ये तजुर्बा नहीं था तो एक वक्त के बाद हम एक्शन सीन शूट कर रहे थे जिसमें आपने देखा जीप उड़ रही है वो पहाड़ से तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ चेहरे ऐसे बदल गए यूनिट वालों के कुछ ऐसे थे जो कोई इस तरफ जा रहा था तो उस तरफ चला गया खड़ा था तो बैठ गया बोल रहा था
था बादल आ गए, अंधेरा हो गया है, जबकि भरा उजाला था. तो वहां से बैकवर्ड जब हमने ट्रैक किया तो पता चल गया कि ये सारा कुछ महाशिवरात्रि का. बिल्कुल बिल्कुल. तो शिव जी के भक्त हैं ये, सबको पता है, तो शिव जी का प्रसाद खिलाते हैं सबको. अजय सर आप भी शिव जी का प्रसाद लेते हैं आप? नहीं, मैं लोगों को देता हूँ. एनीवेज देखिए, मैं तो पूरा पूछता रहूंगा, रेडियो का आदमी हूँ तो मैं तो पूछता ही रहूंगा. प्लीज अगर आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप जरूर पूछें. हाय, पहले तो ट्रेलर के लिए बहुत सारी बधाई है, बहुत ही ताबड़तोड़ ट्रेलर है. तो मिलन सर पूरी टीम को सवाल ये है कि किरदारों में किस तरीके से आप लोगों की एंट्री हुई, जैसे भवानी, दलिया, या क्योंकि इसमें एक वन लाइनर मैंने पढ़ा कि वफादारी काफी है इस फिल्म में, जैसे दलिया है तो वो भवानी काफी वफादार है. और एक्चुअली देखा जाए तो वफादारी के साथ धोखेबाजी भी काफी, कौन किसको किसके साथ वफादार है और किसको धोखा दे रहा है वो आपको फिल्म देखते देखते धीरे धीरे पता चलता है. तो सर वही जानना चाहेंगे थोड़ा थोड़ा अगर अपने अपने किरदार के बारे में अभी. आई थिंक जैसे कि मैंने अभी कहा कि आई थिंक मिलन जवाब देंगे, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है क्योंकि इसमें काफी कुछ चीजें हैं जो फिल्म देखते वक्त रिवील होती हैं. मेरे ख्याल से आलोक रादर देन गोइंग टू द कैरेक्टर्स, क्योंकि ट्रेलर की एक सीमा है जिसके बाहर हम इस वक्त नहीं जाना चाहते, जितना हम दिखाना चाहते थे हम ट्रेलर में दिखा चुके हैं. लेकिन किसी ने मुझे करीब एक महीने पहले पूछा था कि आप अपने कैरेक्टर्स का नाम बता दीजिए, तो मैंने सारे एक्टर को फ़ोन किया और कहा कि ये मत करना, क्योंकि हर नाम इसमें बहुत सोचने के बाद दिया गया है. भवानी एक वफादार किस्म का नाम है, तो जैसे सहर सिंह है या गीतांजलि है, दलिया है, टिकला है, संजना है, बहुत सोच समझ के बाद हम लोग रजत और मैं इसमें महीने लगा देते हैं कि कैरेक्टर को सुल्तान मिर्ज़ा का नाम दिया जाए या शोएब का नाम दिया जाए. तो इट्स वेरी स्पेशल टू अस एंड आई होप दैट पीपल विल अंडरस्टैंड द वाइब क्यों ये नाम रखा हुआ है. और जहाँ तक कैरेक्टर्स का सवाल है, मेरे ख्याल से अभी 3 हफ्ते और हैं तो कुछ पन्ने हम और धीरे और टाइम के बाद खोलना चाहते हैं. सर ट्रेलर की एक और खासियत थी कि डायलॉग्स काफ़ी हैं लेकिन गानों के चंक आपने नहीं रखे हैं, तो कोई स्पेशली आपने ऐसा सोचा था क्या? नहीं, सोचा नहीं था. आई थिंक ये ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है, जिस जब आप ट्रेलर बनाना शुरू करते हैं तो एक एक किस्म की लैंग्वेज आप पकड़ लेते हैं. तो एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली 2 गाने हम रिलीज कर चुके हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं. तो वी डिडंट वॉन्ट टू मिक्स द टू. आई थिंक दिस इज फॉर द audience to understand the little bit more about the plot, little bit more about the characters, aur intrigue badhane ke liye. To gaane aane se mere khayal se jo matlab main pace zyada pasand karta hu apni filmon mein, I don't like to slow down things, to usko mind mein rakhte hue humne is rhythm pe ye trailer kaata hai. सर ये बादशाहों नाम रखने के पीछे कुछ रीजन था क्या, कुछ कारण? हम एक ऐसे टाइटल की तलाश में थे जो हमारे सारे कैरेक्टर्स को एक पहचान दे. तो बादशाहों इनका सजेशन था रजत का. नॉर्थ में ये बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है, क्या हाल है बादशाहों. तो इट्स फॉर फ्रेंड्स, बडीज. तो ये लगा कि लार्जर देन लाइफ फील है और हमारा ट्रांसलेशन है बैडएस. तो इट्स अ नाइस फ्लेवर एंड इट गिव्स मी अ वर्ड, वन वर्ड दैट कवर्स ऑल द 6 कैरेक्टर्स. हाय अजय सर, हाय इमरान सर, आई एम अपूर्वा फ्रॉम पिंकपुरा. सो यू बोथ हैव वर्क्ड इन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई. सो हाउ हैज द यू नो केमिस्ट्री बिटवीन द टू ऑफ यू चेंज्ड इन दिस फिल्म? हैज इट मैच्योर्ड ओवर टाइम और व्हाट इज इट? Honestly, you should speak about when 2 actors work together. You should speak about chemistry between women, not men. So, yeah, I know it's odd that you're saying that there's chemistry between me and him. Then it would be a different kind of a film. Okay, the relationship. Yeah, but we share great rapport. I think we work together, and there's never been a complication. We get along well. We chill out in the evenings together. It's very comfortable working with each other. And I think that's how nice. Was it working with Ilyana and Isha? How about it?
Yeah, now you can't ask such questions. I mean, they're right in front of me. What do you want me to say? I'm gonna say juicy exactly answer what you'll get if you ask them of their equation. Yeah, that's what you need to ask. What is their equation with each other? Okay, Ajay, next question, please. Next. Ajay, आप action movies के महारथी हैं और action आपने आज के दौर के भी किए हैं और ये 75 का action है. तो कौन सा action ज़्यादा आप enjoy करते हैं? 70s उस दौर का या आज का जो है? I think बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. लेकिन इस film में action काफी realistic है और इस बार मेरा थोड़ा बहुत action विद्युत के साथ था तो बहुत मजा आया क्योंकि अगर सामने इंसान को बहुत अच्छा एक्शन करना आता है तो आई थिंक एक टाइमिंग बहुत अच्छी हो जाती है. तो वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स. विद्युत, आपके लिए कैसा था एक्सपीरियंस? अजय आपके सामने थे तो यार आई थिंक ही इज द मोस्ट स्वशबकलिंग हीरो ऑफ अ कंट्री. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एंड हिज फिटनेस लेवल्स आर मच बेटर देन एनीबडी एल्स आई नो. सो दिक्कत नहीं थी. जब पहले 5 सेकंड तो थोड़ी घबराहट होती है, इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है. बट द फर्स्ट पंच एंड ही सेड विद यू जस्ट गो अहेड, उसके बाद आप भूल जाते हैं क्या हो रहा है. देन यू गेट इनटू द रियल बिट ऑफ इट एंड वी वर वेरी रियल इन इट. ईशा, आपका लुक भी परवीन भाभी से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है, तो आप उनसे कितना इंस्पायर्ड रही हैं? लुक के लिए आई विल से कि इंस्पिरेशन हमने जो लिया उनसे, क्योंकि मिलन सर के दिमाग में था उन्हें कैसे चाहिए कि संजना कैसे दिखे. मगर एज अ कैरेक्टर और एक्टिंग आई थिंक इट वॉज ऑल इन मिलन सर्स हैंड एंड रजत. उन्होंने डायलॉग्स दिए बहुत अच्छे लिखे हुए और मिलन सर जैसे चाहते थे कि उन्हें एक्ट करो तो वैसे एक्ट किया. आई डोंट थिंक हमने कुछ इंस्पिरेशन ली अपार्ट फ्रॉम द लुक, बिकॉज 70s का लुक था, उन्हें वो सॉरी टिपिकल लुक चाहिए था एक. मेरे ख्याल से ईशा ने बहुत केयरफुली फॉलो किया मेरा डायरेक्शन, परवीन भाभी, जीनत अमान जो लेजेंड्स रहे हैं. लेकिन जो ये एक और चीज़ इन्होंने इम्बाइब की वो हमारी आज तक समझ में नहीं आई है कि ये हर 2 घंटे में कौन सी फिल्म एक्ट्रेस 70s में खाना खाती थी. ये हम सब हैरान है. नहीं नहीं नहीं, मैं इसका आज मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन निकाली, क्योंकि हम थक गए हैं इनको खाना खिला खिला के. बट मिलन बाय द एंड ऑफ द फिल्म इट वाज एवरी 20 मिनट्स. नहीं नहीं नहीं, इफ आई कैन करेक्ट यू, प्रवीण भाभी भी यही करती थी क्योंकि मैं उनका नेबर था बहुत साल, तो वो भी हर 2 घंटे में खाते. उनके नेबर थे मतलब रिसर्च पक्की, रियल इंस्पिरेशन. तो आप जब देखें ये खाती रहती हैं, एक बोल हाथ में रहता है हर 2 घंटे बाद. इसे कहते हैं आया था सेट पे, अभी यहाँ पे स्टेज पे. अब अगर आपने 4 सवाल और पूछे तो यहाँ भी आ जाएगा. मैंने इनके आते ही जब हेलो बोला तो मैंने कहा सामने तिवारी है, यहाँ पे गोल्डन स्टार थाली है और लेफ्ट साइड में कोबेज रेस्टोरेंट है, जहाँ से भी मंगाना है मंगा लो. भूषण जी आपसे सवाल है, 2 गीत तो आ चुके हैं, तीसरे की भी तलाश होगी. यहाँ पे ये प्रोग्राम रखने का कोई खास कारण था, वजह था जिसके बारे में आप थोड़ा बताएं? सॉरी, इस जगह पे इस लॉन्च को रखने का कोई कारण? सी, एक रेट्रो फील देने के लिए, जिस जमाने की हमारी फिल्म है उसकी एक लुक का, उसको एक पहचान देने के लिए. रूटीन में तो हम लोग सिनेमाज में करते ही हैं, तो एक डिफरेंट फील देने के लिए हमने यहाँ पे प्लान किया. और नेक्स्ट गाना हमारा अभी विद इन 1 वीक आने वाला है, जिस कह दूँ तुम्हें अगेन कीपिंग द 70s इन माइंड, तो हमने वो गाने को चूज किया. आप लोग देखना यार, इतना रेट्रो, इतनी महंगा किया है, इतना मेहनत किया है, क्या बात कर रहा है यार. हम लोगों ने भूषण को काफी फोर्स किया था कि वो भी रेट्रो लुक में आए, लेकिन पता नहीं लास्ट में. नहीं नहीं, ये रेट्रो है ना. हां, रेडियो रेडियो. हेलो, मेरा सवाल मिलन सर से है. सर, अभी अजय सर ने कहा था कि 90s के दौर में कच्चे धागे के वक्त से इस फिल्म की बातें चल रही थी. आपसे जानना चाहूँगा कि इतना वक्त क्यों लगा इस फिल्म को बनाने के लिए? एक्चुअली जब पहली बार हमने वहाँ जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हमारे एक दोस्त ने हमको बताया कि इमरजेंसी के दौरान काफ़ी छापे पड़े थे रॉयल पैलेसेस पे और काफ़ी कुछ सोना वगैरह जब्त हो गया था वहाँ से, और वो सब कहाँ गया किसी को आज तक पता नहीं है. उसी वक्त हम दोनों को लगा था कि ये कहानी बनानी चाहिए, बट फिल्म कहानियों का एक अपना एक अंदाज होता है कि वो अपना टाइम लेती हैं. कभी कभी फिल्म 6 महीने में बन जाती है, कभी 15 साल के बाद बनती है. आपने सुना होगा कई फिल्म मेकर्स के बारे में कि 10 साल पहले कुछ कहानी लिखी थी या उस पर काम किया था. तो व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ न्यू आइडिया, दिस थॉट केम बैक टू मी. एंड फिर इस वक्त हमने इंटरनेट का फ़ायदा उठाया और उस पर रिसर्च की, और ये लगा कि जो मेरा हमेशा एक मेरी हमेशा कोशिश रही है
कि जो फिल्म लाइन में फिल्में बन रही हैं एक दौर में, उससे हटके फिल्म बनाई जाए, तो वो चीज़ को ये कहानी सपोर्ट कर रही थी कि क्लटर को ब्रेक करके एक ऐसी फिल्म आए, एक हाइस्ट फिल्म आए, एक अलग किस्म का एक्शन हो, अलग किस्म का म्यूजिक हो. दैट्स व्हाई वी पिक्ड अप दिस आइडिया एंड वी वर्क्ड ऑन इट फॉर अ व्हाइल एंड हियर वी आर. हेलो अजय. हाय So many times they turn around and tell us also that you should not be doing this, so why did you do this? And we should listen to them because they really love you and they really know what they want from you. So it should be considered always. Next question. Ajay sir. So one more question, please. Milan sir, we have been reading reports about the CBFC, you know, how stringent the CBFC has been getting, and there are reports that apparently before approaching the CBFC, you guys have deleted some scenes from the movie, sexual scenes. Is it true? No, that's not true at all. I think this is complete conjecture because, as I said somewhere in an interview, that I don't think anybody besides my core team is privy to what we and how we edit the film. This is just speculation. It's a very straightforward film. It's not a film that's likely to get into any. We really don't know where the story came from. We've really not made a porn film here. Ajay sir, ये सवाल आपसे और इमरान सर से हैं. पिछली बार जब आप लोग Once Upon a Time in Mumbai में एक साथ आए थे, तो chemistry बहुत दर्शकों को बहुत अच्छी लगी थी. और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप जब भी एक साथ काम करते हैं तो कुछ नया देखने को ज़रूर मिलता है. तो इस बार कुछ ऐसा खास सर, और क्या ऐसे कुछ रीजंस जैसे आपकी जो दोनों के ट्यूनिंग है वो इतनी अच्छी बन जाती है कि पर्दे पे वो कमाल दिखती है. और एक सवाल ज़रूर रहूँगा सर, एलिना मैडम के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, इसका भी रीज़न ज़रूर बताइए. बहुत बहुत शुक्रिया. First of all, I didn't see who asked the question. Sorry, can you put your hand up? उनके आगे कैमरा लगा हुआ है. I think chemistry एक ऐसी चीज़ है जिसपे आप you can't really rehearse it. आप उसपे काम नहीं कर सकते. या तो होती है या नहीं होती है. And I think we found a certain momentum पहली फिल्म से in Once Upon a Time in Mumbai. And people really liked the film. हमारी जो conflict थी on screen, लोगों ने बहुत appreciate की. And the film did well. So I feel it's something we don't really work at. It's something that just comes across. जैसे उस दिन कोई पूछ रहा था कि do we actually do a lot of rehearsals to get this kind of vibe on the set? हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, आके लाइन सीख लेते हैं and then we try to get it in the first couple of one or two takes and that's about it. Yeah, and I also think क्योंकि पिछली फिल्म भी मिलन की थी, he understands both of us very well. तो scenes ऐसे और कैरेक्टर्स ऐसे बनाए जाते हैं कि यू नो केमिस्ट्री कैसे. बेसिकली आई थिंक कहानी वर्क करती है और कैरेक्टर्स वर्क करते हैं. अगर कैरेक्टर्स वर्क करें और कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री वर्क करती है तो, और आप बिना किसी इनहिबिशन के या बिना किसी इनसिक्योरिटी के करते हैं तो इट रियली वर्क्स. मिलन सर, एक सवाल है. क्योंकि फिल्म इमरजेंसी के बैकड्रॉप पर बनी है, कुछ हफ्ते पहले एक और फिल्म आई थी हिंदू सरकार, वो भी इमरजेंसी के बैकड्रॉप पर थी. फिल्म को CVFC के साथ काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्या इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है और मुझे लगता है कि होगा भी नहीं. सिमिलर जॉनर्स की फिल्में बनती रहती हैं, मेरे साथ भी हुआ है. मैंने जब डर्टी पिक्चर बनाई तो दैट इज अ पॉलिटिकल अप्रोच, दिस इज एन एक्शन एडवेंचर कंप्लीट कमर्शियल फिल्म जिसकी कोई रियलिज्म से कोई लेना देना नहीं है. तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई इशू आएगा. अजय सर, ओवर योर स्ट्रेट, यू नो दिस इज द फर्स्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 2010 वेरिन यू आर हैविंग टू रिलीजेस इन टू मंथ्स. देयर इज बादशाह इन सितंबर एंड गोलमाल इन अक्टूबर. सो एंड बोथ ऑफ देम आर टू डिफरेंट जॉनर. हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बिजनेस एस्पेक्ट? डू यू थिंक टू रिलीजेस हैज एन इंपैक्ट ऑन बिजनेस इफ देयर आर बैक टू बैक? नो, यू आंसर्ड द क्वेश्चन. दे बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट जॉनर्स, सो it does not really matter, and they're coming within a span of 1.5-2 months. But it's good that you know both the films are of two different genres, so you see two different
I think, kind of films, and I mean, from me, at least. Yeah, and where the business is concerned, it's not in our hands. It's in the hands of the audiences. I think if the film works, everything works. Hi, Ajay and Imran, you have been center here. Yeah, so you have been involved in film since many years now. Does filmmaking and acting get better with time? I think experience does matter. I think when you keep working, you learn every day. It's a process. अगर आपको लगता है कि आप सब सीख चुके हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता. आप जिंदगी भर सीखते रहते हैं और हर रोज आप कुछ ना कुछ सीखते हैं अपनी गलतियों से, सामने वाले की गलतियों से, सामने वाले के अच्छे काम से. सो ये प्रोसेस तो जिंदगी भर चलता रहेगा और हर रोज आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. So, makes a difference. I think for me, every film feels like a new film, for my first film. I feel as much as I feel I know in the industry, as much as I feel I've got a certain amount of learning, I'm still very ignorant. With every film, the dynamics are very different. Every film comes with its own set of hurdles and things you learn from. So I think for an actor, it's always necessary to feel like be on, you know, your toes with every film. So, you know, whenever I have a release, I'm a bag of nerves, and I've learned something from each and every film that I've done. Hi, yeah. Imran, this is Priyanka in the center. Hi. Hi. I can see you, yeah. Yeah, Imran, my question is that, you know, of late your films haven't done well at the box office. So how important is Badshaho for you, considering the fact that it appears to be a comfort zone for you? The setup is familiar with Ajay and Milind, and, you know, Once Upon a Time worked for you. Well, there's a saying, fall down 7 times, stand up 8. So this is my... this is a film that I feel I've, obviously we all have high hopes with this, like I've had with all my films. You know, there's, the only way you can avoid making a flop is don't make a film at all. It's as simple as that. I've learned in this industry that you gotta keep striving, keep working. If you stop, if you start, you know, thinking and getting insecure, I don't think there's any place for you in this industry. So as, yes, things haven't been very good, in the past year and a half too, but that has not dented my spirit at all. I'm still very excited. I think this is the best time in my career. The films that I have lined up, these are the kind of films and subjects that I've always wanted to. So yeah, I think it's a very, and also for this industry, people say it's a very grim time because films are not doing very well. But I think it's a very, very positive time because it's a time for contemplation, introspection, and just understanding that, you know, we have to do something differently to make things work. Ek do question aur lenge sir. Milind, my question, I also have a question for you. Yeah. So how much, was there any pressure on you to not make audience feel that this is the same kind of film that we are watching when we watch Once Upon a Time, because you have both the actors in Rustic Avatars? I don't think I've made the same genre twice. I mean, I've ricocheted from a gangster film to a film about an actress. Before that was a film set in 24 hours in Mumbai. There was a film about prisoners of war. So I myself don't like repeating myself. So the actors may be the same, but the genre, the characters, the whole pitching is so different. Everything changes. Imran, slightly towards your right here. Milan ji. Aji, boliye. Here. Can you see me, Imran? Imran, on a lighter note, you are the one who has the serial kisser tag. In the trailer, we only see a peekaboo of Ajay kissing. So what about you? Is that a surprise package? Yeah. Jealousy ho rahi thi. Is film mein nahi kar raha hu main yaar. Chutti liye maine is film mein. Nahi, wahi keh raha hai. Yahan pe mehnat koi aur kar raha hai. To wahi keh raha hai na ki Ajay ko dekh ke. That is very strange. Maine abhi is film mein soch liya ki mehnat koi aur karega. Ek saal ke liye vacation le liya maine. But you know, that is very strange because you also have a really sizzling number with Sunny Leon. So fans, yes, are expecting. But that's such an achievement. We don't have the kiss, but still it's so sizzling. So yeah, director se kitna ladna padta hai yaar. Actually, Imran ka kiss tha film mein, lekin jis din shooting thi us din Isha ko viral ho gaya tha, to abhi bhi hai. How's your viral? She's had a cold throughout the film. Ajay, but is this a shift in the trend? Because in the 90s, we never saw any superstar kissing on screen, but nowadays we see that. So it's really not a kiss. It's an expression. I mean, it's not shown in that manner at all.
Also, a question about Golmaal. Golmaal is clashing with Secret Superstar. Any concerns on that front? Can we talk about Badshah right now? We're promoting Badshah right now. Okay, last question. Sir. Milan sir, aapse mera sawal hai. Aapke left mein. Straight. Emergency jo chuna hai aapne subject ye kitna sirf ek backdrop ke roop mein hai ya fir us daur ki kya cheezein political agar baat kare to emergency kis roop se is film se judi rahegi and ajay se mera sawal hai ki jo abhi censor board ka jo ravaiya hai lagatar filmon ko cuts ko lagatar cuts dene ka aur us par aapka kya kehna hai I really don't know because जो फिल्में एज अ प्रोड्यूसर और हमने बनाई हैं और मैंने सेंसर करवाई हैं मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं आई तो आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है बट आई डोंट सी अ प्रॉब्लम आई थिंक अगर आप उनसे रैशनलाइज करें तो आई थिंक सब कुछ समझा जाता है ये मेरा एक्सपीरियंस है आपका मेरा जवाब यह है कि हमने एक ड्रामेटिक मोमेंट चुना है हमारी कंट्री का जिसके जिसमें से हमको कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं एक्शंस हैं कुछ रुकावटें हैं कुछ एक माहौल है जिसमें ड्रामा अच्छी तरह से बैठता है लेकिन एज यू कैन ऑब्वियसली सी फ्रॉम द ट्रेलर हमारी फिल्म लार्जर देन लाइफ है एक्शन ड्रामा है हाइस्ट ड्रामा है सो वी आर नॉट वेरी क्लोज टू द पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस ऑफ दैट इरा वी हैव जस्ट टेकन इट एज अ बैकड्रॉप एंड वी हैव हैड फन विद आवर स्टोरी क्या बात है लास्ट क्वेश्चन अजय सर लास्ट ईयर आज ही के दिन शिवाय का ट्रेलर लॉन्च हुआ था और क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर कुछ मुझे नहीं बिल्कुल नहीं पता आप बता रहे मुझे इंदौर में हम लोगों ने किया जी आप ही ने कंपेयर इंदौर में हम लोगों ने किया था याद है आपको आज ही दिन कह रहे हैं तो सही होगा भाई मीडिया वाले हैं जो कहते हैं सब सही कहते हैं आप लोग है ना चलिए खैर थैंक यू गाइस बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मैं स्टेज में कुछ लोगों को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा प्लीज कम ऑन द स्टेज संगीता अहिर जी प्लीज स्टेज में आए एंड को प्रोड्यूसर हुसैन शेख साहब कृपया मंच पर आए फ्रॉम हंगामा नीरज रॉय तीसरी से प्रिया गुप्ता शिव चनाना रजत अरोरा तो आ चुके हैं क्या बात एंड इस फिल्म की डीओपी जो कि आपने इतना बढ़िया काम देखा इतना बढ़िया ट्रेलर देखा जी हाँ सुनीता नडिया को बुलाऊंगा प्लीज कम ऑन द स्टेज सुनीता वे सुनीता एंड वे शशांक प्रोडक्शन से शशांक प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड मनोज मुस्टिर गीतकार लिरिसिस्ट अभी मैं कुछ समय के बारे में मनोज के बारे में बात कर रहा था और मैं कह रहा था कि बहुत कम ऐसे लिरिसिस्ट आज मौजूद हैं हिंदुस्तान में जो इतना सटीक और कमाल लिखते हैं एंड मुदस्सर खान कोरियोग्राफर प्लीज कम ऑन द स्टेज प्लीज मंच पे आए क्या बात है मैंने कहा कि फोटो वोटो हो जाए एक बार मतलब जिंदगी के बिल्कुल याद करे यार अभी जब उनके साथ फोटो है मेरी हो गया हो गया थैंक यू गाइस थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया पर मैं क्या चाहता हूं अरे सोलो 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 आर्टिस्ट एक्टर परफॉर्मर प्लीज अजय सर सोलो सोलो कहेंगे आर्टिस्ट प्लीज सोलो 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 हर आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट
अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ट्रेलर फिर से दिखाया जाएगा, तो जो लोग यहाँ मीडिया वाले जो लेट आए वो लोग प्लीज बैठ जाइए। Okay guys, thank you, बहुत बहुत शुक्रिया।